वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले लेंगे हम 2 7 सेंटीमीटर के सर्कल, और उसके बाद लेंगे 8.5 सेंटीमीटर के एक पतली सीट, एक और पतली सीट लेंगे जिसकी लंबाई होगी 23.5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर। अब हम इस सर्कल पे ग्लू लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से लगाना है और ये पतली वाली सीट को हम इसके ऊपर चिपका देंगे, अच्छे से चिपकाना है, निकल ना जाए। अब दूसरे सर्कल पर भी हम ऐसे ग्लू लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे और फिर हम इसको भी ऐसे दूसरी साइड पे अच्छे से चिपका देंगे। फिर इसको ऐसे मोड़ना है और एक सिलेंडर आकार बना देना है। और फिर जो हमने पतली वाली सीट काटी थी 8.5 सेंटीमीटर की, उसको बीच में ऐसे मार्किंग करना है। फिर उसको ऐसे बीच में से सेंटर तक काट देना है ऐसे। बाद में हम यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का एक माप लेंगे और ऐसे मार्किंग करेंगे। फिर ऐसे एक सीधी लाइन सेंटर तक लाएंगे ऐसे। फिर इसको ऐसे मोड़ना है कि एक चाइनीज टोपी जैसा ये आकार ले लें। फिर इसको हम ये सिलेंडर आकार का जो बनाया था उसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। बाद में हम इस पर ऐसा मार्किंग करेंगे कि एक सामने एक दरवाज़ा और साइड में 2 खिड़कियाँ बन जाए। लेकिन आप अपने हिसाब से इस पर अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम ये एक स्टील वायर लेंगे और उसको ऐसे बेंड करेंगे ऐसे, जैसे कि एक हुक बन जाए। ऐसे बन गया, फिर इसको काट देना है। फिर इसको यहाँ बीच सेंटर में ऐसे लगा देना है ऐसे। रेडी हो गया अपना कैबिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैबिन अपने रेडी हो गए। बाद में हमने पहले से काटी हुई थी ये मेन फ्रेम, जिसका आकार फूल जैसा है बीच में से, और उसकी गोलाई है 40 सेंटीमीटर और बीच में जो पुल बनाया है उसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से पुल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और बीच वाला जो सर्कल है उसकी है 6 सेंटीमीटर। ऐसी 2 फ्रेम हमने काटी हुई थी पहले से। हमने जो कैबिन बनाए थे उसको लटकाने के लिए यहाँ से लेंगे हम 1 सेंटीमीटर का माप और यहाँ पर गिराएंगे एक होल, और ऐसे होल हर जगह पे गिराने हैं, ऐसे ऐसे गिरा देने हैं, हो गए। और फिर यही होल का नाप दूसरी फ्रेम में ले लेना है। और उसके बाद ये सिलेंडर आकार का हमने एक बनाया था जिसकी गोलाई है 6 सेंटीमीटर और लंबाई है 8.5 सेंटीमीटर। इसको हम ये 2 फ्रेमों के बीच में ऐसे ऐसे लगा देना है ऐसे, ठीक है। और दूसरी फ्रेम को भी ऐसे ऐसे लगा के फिक्स कर देना है और ग्लू लगा देना है, और ये हो गई। उसके बाद
केबिन को लटकाने के लिए ये हमने बेम्बू स्टिक को 10 सेंटीमीटर की लंबाई में काटा हुआ है और इस बेम्बू स्टिक को हम ऐसे इस केबिन के ऊपर ऐसे लगा देंगे जिससे ये हिलेगा नहीं और इस केबिन को हम ऐसे यहाँ से ऐसे बेम्बू स्टिक डालेंगे, बीच में इसको लगाएंगे केबिन को और इस बेम्बू स्टिक को दूसरी फ्रेम तक ऐसे ऐसे डालना है अंदर और ये हो गया। देखिए कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। ऐसे ही हमने दूसरा लगा दिया है और ऐसे ही सब लगा देने हैं। अब हमने ये सपोर्टिंग फ्रेम काटा है जिसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, लंबाई है 32 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर और यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर और ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के हमने हॉल गिराया हुआ है। और ये दूसरा फ्रेम है, उस पर ये खांचा दिया हुआ है जिस पे हमारी ये गियर मोटर लगेगी। ये है 150 RPM की गियर मोटर, ऐसे लगा देंगे हम इसको। हमने इसके ऊपर पहले से ही सीट लगाया हुआ है। अब इस फ्रेम को हम ग्लू लगा के ऐसे ऐसे ग्लू लगा देंगे। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मैं, ऐसे लगा देंगे फिर ऐसे ऊपर चिपका देंगे, इससे ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। फिर ये मोटर को हम यहाँ बीच में ऐसे होल बड़ा करके ऐसे होल बड़ा करके ऐसे मोटर को हम ऐसे यहाँ पर फिट कर देंगे। ये हो गई। अब हम लेंगे बेस और बेस के ऊपर रखेंगे हम अपना फ्रेम। इस एक साइड हमने यहाँ पहले से ही फ्रेम वो उसका सपोर्टिंग लगाया हुआ है ताकि ये गिरे नहीं और अब हम दूसरा सपोर्ट यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ पर ऐसे टिका देंगे। अरे गिर गया, हाँ हो गया। अब हम इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे और यहाँ पर ऐसे 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 दो दो सपोर्ट चारों जगह पर दे देंगे जिससे इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके, मजबूताई मिल सके। और अब हम जो हमारे मोटर के वायर हैं उसको अच्छे से टेप लगा के एक लाइन में कर देंगे जिससे थोड़ा अच्छा लगे। फिर हमने ये छोटा सा बॉक्स बनाया है जिसके ऊपर हम अपना ये कंट्रोलर रखेंगे जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है और उसके बाद ये 9 वोल्ट की बैटरी है। फिर ये बैटरी कनेक्टर है, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। फिर ये हम लेंगे छोटी सी लाइट जिसको हम ये फ्रेम बनाइए उसके बीच में यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर हम ऐसे बीच में लगा देंगे। ये है हमारी राइड का नाम और नीचे हमारे चैनल का नाम। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, भूल मत जाना। और ये हमारी राइड तैयार हो गई, लग रही है ना एकदम बढ़िया। अब हम इसका ट्रायल लेंगे, चलो। और ये चालू हो गई। कैसी लग रही, अच्छी है ना? और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करना और हमको सजेशन देना। अच्छा कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया हो कुछ ऐसा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने इसमें जो छोटी वाली लाइट लगाई थी एक बार उसको स्टार्ट करके देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करके हमको बताना आपको कैसी लगी ये राइड।
एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहे ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय और इन्जॉय द राइड।